वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वीवो वी 27 प्रो में दोस्तों आ चुका न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों ये सबडेट करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये सबडेट करना चाहिए कि नहीं, और साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन क्लिक जैसे कर देना। दोस्तों जो कि ये न्यू अपडेट आया है दोस्तों, ये सबडेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग जाना है, जिससे मैं सेटिंग में आ रहा हूँ, अबाउट में जाकर यहाँ से मैं आपको अपना जो कि डिवाइस दिखा दे रहा हूँ। तो उसमें देख लीजिए एंड्रॉइड 14 चल रहा है और हमारा वीवो वी 27 प्रो जो कि आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो अपडेट आया है वो सबडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अपने फोन में अपडेट को करके मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको यहाँ से चले जाना, आपको बैक आने के बाद यहाँ से आपको जाना जो कि सिस्टम अपडेट है, आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन। आपको यहाँ सेटिंग भी जाना है, फिर यहाँ पर देख लीजिए ट्रायल वर्जन जाएंगे तो न्यू ट्रायल वर्जन जो कि आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए इसमें क्लिप हंटर स्वयं जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि न्यू वर्जन है जो कि आप यहाँ देख लीजिए 415 MB का अपडेट मिल जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे सिस्टम पे दिया गया है अपडेट द फरवरी मंथ का जो कि गूगल सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें और कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये 415 MB का है तो इसमें जो कि थोड़ा बहुत जो कि बग वग मिलता है उसको भी यहाँ पे फिक्स किया गया हुआ, जो कि थोड़ा बहुत जो कि बग होगा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बैटरी ड्रेन व्रेन बहुत तेज होता है दोस्तों, सबडेट करके फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें अभी तक कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं। बाकी आप ये सबडेट कर सकते हैं, अभी ये ट्रायल वर्जन है, पब्लिक रोल आउट अभी नहीं हुआ जो कि स्टेबल अपडेट बीटा पे है 8 फरवरी मंथ का सिक्योरिटी पर। बाकी आप लोग चाहे तो इस सबडेट को कर सकते हैं, बाकी आपको बताना नहीं चिकन में आपको भी फोन में अपडेट मिला कि नहीं। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।